Okay, welcome everyone in today's session. Today, at this moment, we have Mr. Ravi Kumar as a resource person and he is going to train us about time management. So, how we can manage our time because we do so many work and without the time management, we cannot do all the works which we have to do. So, he is here to make us understand that how we should manage our time with the topic of time management. So I request Mr. Ravi Kumar to start this session. Sir, please start it. Thank you, Shyam sir. Good morning to all of you. आज का हमारा टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट और मैं अपने लाइफ में या हम सब अपने लाइफ में अपने कामों को किस तरीके से मैनेज करते हैं, किसी काम को मैनेज करने में किसी तरीके से त्रुटियां हो जाती है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार रूप से समझेंगे। सबसे पहले है आखिर ये टाइम मैनेजमेंट है क्या। इसको हिंदी में बोला जाता है समय प्रबंधन। अलग अलग कार्यों को करने के लिए लगाए गए समय और उनको करने के क्रम को सोच विचार कर व्यवस्थित करना समय प्रबंधन कहलाता है, अर्थात टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। समुचित समय प्रबंधन की दक्षता मिलती है, उत्पादक बढ़ती है और कार्य अपना काम सही समय पर पूरा होता है। समय सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति अपने सभी कार्य समय पर करता है सफलता अवश्य प्राप्त करता है। समय का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, लेकिन बहुत से लोगों को यह बात समय बीतने के बाद समझ में आती है। समय कभी भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है, इसलिए आपको आपके पास जितना भी समय हो उसका सदुपयोग करें और समय को बिल्कुल भी नष्ट ना करें और उसका सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। प्रकृति भी सभी काम सही समय पर करती है। सूर्य का उदय और अस्त निर्धारित समय पर होता है। ऋतुओं का आना और जाना समय से होता है और अगर प्रकृति समय पर कार्य करना छोड़ दे तो परिणाम विनाशकारी होगा। हमें आज का कार्य कल पर कभी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि कल कभी नहीं आता और साथ ही काम भी बढ़ता चला जाता है, जिस वजह से हम विफल हो जाते हैं और पछताने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता। व्यक्ति कितना भी मेहनत क्यों ना कर ले, लेकिन अगर वह सही समय पर रुक जाए तो व्यर्थ ही है। समय पर फसल की कटाई ना होने पर सारी फसल नष्ट हो जाती है और की गई सारी मेहनत बेकार जाती है। समय पर काम करने वाले व्यक्ति के कदमों में सफलता हमेशा रहती है। आज तक जितने भी विकासशील और महापुरुष हुए हैं उन सबका सफलता का एक ही रहस्य रहा है, समय का सदुपयोग। समय कभी भी किसी का भी इंतजार नहीं करता, इसलिए हमें इस समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। बिना एक पल भी बर्बाद किए हमें समय का उपयोग अच्छे कार्य के लिए करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति कभी भी समय को नष्ट नहीं करता वह बहुत ही भाग्यशाली होता है। समय का सदुपयोग आपको आसमान के शिखर तक पहुंचा सकता है। हर किसी को बचपन से ही समय के सदुपयोग की आदत डालनी चाहिए। बच्चे को भी स्कूल में समय के महत्व के बारे में बताने की जरूरत है। बच्चों को खुद भी अपने खाली समय में कुछ न कुछ काम करते रहना चाहिए, पुस्तकें पढ़कर एवं ज्ञान अर्जित करते हैं, जो कि समय का सबसे अच्छा सदुपयोग है। समय सभी के लिए बराबर होता है और उसी गति से चलता है जिस गति से सबके लिए चलता है। कुछ लोग उसका सही तरीके से उपयोग करते हैं करके इतिहास रच जाते हैं और कुछ लोग पहले तो समय को नष्ट करते हैं और बाद में दोष देते हैं कि समय कम था। समय को नष्ट करने के बजाय उसको सही से प्रयोग करना सीखें। समय ऐसी वस्तु है जिसे न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है। एक बार जो समय बीत गया उसे दोबारा लौटाया
नहीं जा सकता। समय का चक्र लगातार घूमता रहता है, उसे रोका नहीं जा सकता। इस प्रकार समय अमूल्य है, जीवन का प्रत्येक क्षण अमूल्य है। यदि एक क्षण का भी दुरुपयोग किया जाता है तो मानव को पछताना पड़ता है। अतः समय के दुरुपयोग को महत्व को समझाना आवश्यक है। समय प्रकृति की अमूल्य भेंट है, जो समय को खाली बैठकर व्यर्थ में नष्ट करता है, समय उसे नष्ट कर देता है। समय का दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति की दौड़ में पिछड़ जाते हैं, और जो समय का सदुपयोग करते हैं वो उन्नति के शिखर पर पहुंच जाते हैं। समय का सदुपयोग करने वाले व्यक्ति को जीवन में कभी भी पछताने नहीं पड़ता। सफलता, यश, धन उनके कदम चूमते हैं। इसलिए संत कबीर ने मानव को सचेत करते हुए कहा है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पर लय कोई भी बोहरी करोगे कब। विधाता की ओर से प्रत्येक प्राणी के जीवन के क्षण निश्चित है। इस निश्चित समय में ही उसे अपने कार्यों को पूरा करना पड़ता है। वास्तव में जीवन में विभिन्न कार्यों को बोझ इतना अधिक होता है कि उसे थोड़े से समय में ढो पाना कठिन हो जाता है। समय का चक्र निरंतर घूमता रहता है, वह कभी भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। समय केवल उसी के साथ देता है जो उसका अपने समय को पहचान करके उसको उपयोग करता है, समय के अनुरूप निर्णय लेता है और उसी निर्णय को कार्य रूप प्रदान करता है। अक्सर चूक जाने पर समय कभी माफ नहीं करता। अक्सर चूकने का दंड मनुष्य को भोगना पड़ता है। महाभारत के भीष्म पितामह ने भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित होते देखकर दुर्योधन आदि का विरोध नहीं किया। हम सब जानते हैं वे अवसर चूक गया था। उन्हें अवसर चूकने का दंड भुगतना पड़ा। उन्हें अवतार नहीं माना गया। अवसर चूकना अर्थात समय को नष्ट करना मानव जीवन के अवहेलना करना है। समय से ही मानव जीवन का निर्माण होता है। बीते हुए समय को संसार की कोई शक्ति नहीं लौटा सकती। इसलिए उचित समय पर किया गया कार्य ही फलदायक होता है। रोगी को दवाई देने में एक क्षण की देरी भी घातक हो जाती है। कुछ पल की देरी से स्टेशन पर पहुंचने से गाड़ी छूट जाती है और व्यक्ति हाथ मलता हुआ स्टेशन पर खड़ा रह जाता है। वह अपने गंतव्य स्थान पर उचित समय पर नहीं पहुंच पाता है। जब कुछ भी देर होता है, हम लोग के डेली लाइफ में ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ कारण से लेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से देर हो जाती है। इतिहास ने सदैव समय को महत्वपूर्ण समझकर कार्य करने वाले को महत्व दिया है। जेम्स वाट ने 25 वर्ष तक निरंतर परिश्रम करने के बाद रेल इंजन बनाया। मैडम क्यूरी ने रेडियम का आविष्कार किया। अंग्रेज जाति ने समय के महत्व को पहचान कर समय अनुसार निर्णय लेकर कार्य किया, तभी तो संसार के अधिकांश भाग पर शासन किया। सत्य कहा है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चुकी उन्हीं का पछताने। मतलब कि अगर कोई किसान अपनी फसल को समय पर पानी नहीं देता है, अगर उसका फसल सूख गया तब पानी दे तो वो फसल कभी भी दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। उसके बाद फिर उसको बस एक ही उपाय में उसको पछताना ही पड़ता है। कुछ लोग अपना समय व्यर्थ की बातों में गवा देते हैं तथा कुछ लोग कुछ भोग विलास या खेल कूद में समय गवाते हैं। ऐसे लोग निश्चय ही राष्ट्र, समाज, परिवार और समय अपने लिए भी हितकर नहीं होते। समय ही अपने सदुपयोगकर्ता को महान बनाता है और दुरुपयोग करने वाले को खाक मिलाकर संसार के जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं वो समय पर अपना काम करते हैं, इसलिए वो महान कहलाते हैं। आज जितने भी देश धन संपदा ज्ञान विज्ञान आदि के क्षेत्र में उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर है, वे सब वहां के लोगों द्वारा समय का सदुपयोग करने के कारण ही है। इसलिए माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा है कि समय जगाता है हम सबको, झटपट जग जाना ही होगा। देख विश्व संगत कार्य में
निर्भय का चाहना ही होगा। अतः प्रत्येक मानव का कर्तव्य है कि वह समय का सदुपयोग कर राष्ट्र, समाज, परिवार और समय की उन्नति को मार्ग प्रदर्शित करे। समय प्रबंधन के लिए समय का मूल्यांकन करें। एक डायरी में रोज की बातें लिखें। इससे आपको पता चलेगा कि आप कितना समय उपयोगी कार्य को देते हैं और कितना समय बेकार कामों में देते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए योजना बनाए, अर्थात प्लानिंग करें और उसके अनुसार ही समय पर कार्य को समाप्त करें। इसके लिए एक डायरी में किए जाने वाले कार्यों को लिखने यानी सूची बनाएं और जैसा आपने तय किया है उसके अनुसार उसी काम को क्रम के साथ, समय के साथ अपने काम को करते रहें। जो योजना बनाते समय आपको अपने कामों की प्राथमिकता स्वयं ही तय करनी है, कौन सा काम मुझे पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, किसी काम को पहले करना है और किसी काम को बाद में करना है। काम करने के दौरान उस कार्य का जांच भी करते जाएं, जैसे आपने सोचा था उस हिसाब से उस काम को मैं कर रहा हूं या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समय प्रबंधन का यह मतलब नहीं है कि आप गलतियां नहीं करेंगे। यदि आपसे गलती हो जाती है तो उसे तत्काल यानी तुरंत सुधार कर आगे बढ़ें। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप गलतियां भरा काम करें। काम करने के दौरान अपने कार्य का आकलन करने में आप में किसी भी कार्य को सही तरीके से और सही समय पर करने का पूर्ण अनुमान करने की दक्षता बढ़ती है। अगर हमें अपनी आदत धीरे धीरे लगती है कि कोई भी काम को सही समय पर करते हैं, जिससे हमारे लाइफ में इस तरीके से एक आदत सी बन जाती है कि उसको हम जांच भी कर सकते हैं। जहाँ तक इतनी आदत बढ़ जाती है सही समय पर अपनी लाइफ में पालन करेंगे तो दूसरे को काम को देख के बता देते हैं कि हाँ तुम्हारे ये काम इस समय पे नहीं हो पाता है, तुम इस तरीके से करोगे तब तुम्हारा काम वो बढ़ पाएगा। और अगली बार जब भी आप दूसरा काम करेंगे आपका आत्मविश्वास और बेहतर होता जाएगा। यहां याद रखें कि आलस्य समय प्रबंधन का घोर दुश्मन है। यदि काम के दौरान आप आलस्य करते हैं या थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं तो अपनी बनी बनाई योजना धराशायी हो सकती है। इसलिए किसी भी कार्य को पूरा मन लगाकर और सतर्क पूर्वक करें। एक भी गलती आपके कार्य को बाधा बना सकती है या उसे विपरीत दिशा में ले जा सकती है। हम लोग अपने समय को किस तरीके से उपयोग करना है इसके बारे में आप समझेंगे। टाइम टेबल बनाने का महत्व, आप अपने समय को सही ढंग से उपयोग करने के लिए एक पक्की समय सारणी यानी टाइम टेबल बना लें। जैसा स्कूल में विभिन्न विषयों के लिए निर्धारित समय दिए जाते हैं, यदि हमें अपने मन में याद नहीं रहता तो बेशक उसे किसी कागज या अपने मोबाइल में लिख कर रखें। खाली समय का प्रयोग करना, जरूरी नहीं है कि हम हर समय काम में जुटे हो। यदि काम से छुट्टी हो या कई दिन ऐसे होते हैं जब हमारे पास कुछ जरूरी काम नहीं होता, उन दिनों को और खाली समय का सदुपयोग करना भी बहुत जरूरी होता है। टीवी देखकर या कोई खेल खेलकर भी मनोरंजन कर जरूरी है, परंतु ध्यान रखें कि हम उस सारे खाली समय को मनोरंजन में ही ना निकालें। तीसरा, रात को जल्दी सोकर सुबह को जल्दी उठने का महत्व। रात की अच्छी नींद पूरे दिन को ऊर्जा का स्रोत होती है। अच्छी नींद का होना बहुत ही जरूरी है। अगर हम अच्छे से सोएंगे तभी अगले दिन ताजे दिमाग के साथ अपने काम को अच्छे से उपयोग कर पाएंगे। इसलिए यह कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि सोने से समय व्यर्थ होता है, बल्कि 7 से 8 घंटे सोने से शरीर और दिमाग दोनों तंदुरुस्त रहते हैं और हम बाकी जागते हुए समय का सदुपयोग कर सकते हैं। देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए सोशल मीडिया का अत्यधिक प्रयोग उनकी पढ़ाई और कैरियर पर प्रभाव डाल सकता है। इसलिए जितना हो सके
हमें कम से कम सोशल मीडिया ऐप का उपयोग करना चाहिए। साथ ही अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग दिन भर मोबाइल से चिपके रहते हैं। इससे ना केवल आपका समय व्यर्थ होता है बल्कि यह आपकी आप और स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव डालता है। इसलिए सोशल मीडिया का अत्यधिक प्रयोग भी आपके लिए हानिकारक है। कुछ और भी है समय टाइम मैनेजमेंट को लेकर के उसको यूज किया है, जैसे कि यार पता ये नहीं चलता कि दिन कैसे बीत गया। हम लोग डेली अपने ग्रुप में अपने दोस्तों से ये सब बात करते रहते हैं कि यार पता नहीं चलता दिन कैसे चला जाता, कितना कुछ करना था और कितना हुआ। क्या आप भी कभी ऐसा किए हैं, कभी बोले होंगे? सीधी सी बात है कि यही होंगे। तो ऐसा क्यों होता है या आप भी इन बातों को लेकर चिंतित हैं तो चिंता ना करें। आज मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बताऊंगा किस तरीके से हम लोग अपने टाइम को मैनेज करके अपने कामों को सही तरीके से कर सकते हैं। हम सभी के पास दिन के 24 घंटे हैं और उन 24 घंटों में हम क्या करें उस हिसाब से हमारी लाइफ भी मैनेज होती है। या खूब कहा है कि एक इंसान ने कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी पॉकेट में 24 घंटा होती है और फिर हमें यह सोचना होता है कि उन 24 घंटों का सदुपयोग कैसे करें। अपनी सफलता को पाने के लिए ज़्यादा वक्त ना लगाएं। हमें ही यह निश्चित करना होता है कि हम अपने लाइफ को किस तरीके से, अपने दिन को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट आज के जनरेशन की जरूरत है। वो कहते हैं ना, एक बार खर्च किया हुआ पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, पर अगर समय खर्च हो गया तो दोबारा कमाया नहीं जा सकता। हम अक्सर कहते हैं कि इस कार्य को करने का सही समय आएगा तब हम इस कार्य को कर लेंगे। कभी तो ऐसा सोचते हम अपने ये काम करेंगे बाद में करेंगे या इसके समय अभी सही समय नहीं है, ऐसा नहीं है। पर हकीकत तो यह है कि हर समय अच्छा होता है कुछ नया करने के लिए। कमी तो इस बात की है कि जो हमें समय मिलता है उसे मैनेज कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें और ऐसा क्या करें कि हम अपने सारे कार्य को आसानी से कर लें। हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा अहमियत समय की है और यह एक ऐसा बहुमूल रत्न है जो कि हर समय खत्म होता रहता है और यह खत्म हो इससे पहले इसका उपयोग कर लेना चाहिए। जो व्यक्ति समय का उपयोग कर लेता है वो बहुत ही अच्छा है। हम अपने जीवन के छोटे छोटे कार्य को करने के लिए समय का ध्यान रखते हैं। आपको मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। जब हमें कहीं बाहर जाना होता है, किसी सगे संबंधी के घर जाना होता है, तब हम कितनी तैयारी करते हैं? हम सब कुछ मैनेज करते हैं, जैसे कि समय पर बस, ट्रेन, एरोप्लेन की टिकट ले लेते हैं, समय पर बस स्टेट पहुंच जाते हैं और हमें यह भी पता होता है कि अगर हम जरा सा भी देर करेंगे तो हमारी बस ट्रेन छूट सकती है। इस उदाहरण से आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम अपने जीवन में ऐसी घटनाओं के लिए टाइम को मैनेज करते हैं तो हम अपने पूरी जीवन के लिए टाइम को मैनेज क्यों ना करें, जबकि यह बहुत जरूरी है। कुछ काम से बीच में अंतर क्या है, इम्पोर्टेंट वर्क क्या है, अर्जेंट वर्क क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। हमें कभी भी इम्पोर्टेंट वर्क और अर्जेंट वर्क को कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए, दोनों अलग अलग। टाइम मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो मैं काम कर रहा हूँ वह इम्पोर्टेंट है या अर्जेंट है, क्योंकि कई लोगों को यह नहीं पता चलता कि इम्पोर्टेंट कार्य और अर्जेंट वर्क में क्या अंतर है। जो कार्य पूरा करना जरूरी है पर तुरंत उसे पूरा करना इतना आवश्यक नहीं है तो उसे इम्पोर्टेंट वर्क कहते हैं।
और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो किसी कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि जरूरी होते हैं और कम जरूरी भी होती है, उसे तत्काल पूर्ण करना पड़ता है, उसे अर्जेंट वर्क कहते हैं। कहने का मतलब है कि अर्जेंट वर्क इम्पोर्टेंट वर्क के बाद ही आता है। मतलब कि कल मुझे ये मतलब कि मीटिंग करना था, एक इम्पोर्टेंट था, नहीं करना है, लेकिन अब 5 से 10 मिनट पहले मुझे अब ये क्या हुआ, अर्जेंट हो गया। मतलब कि काम है पर मेरे लिए उसके लिए अब समय कम बचा है, अब वो समय आ चुका है जहाँ पे मैं अब ये काम कर रहा हूँ। इम्पोर्टेंट वर्क और अर्जेंट वर्क को मिक्स करने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि हम ऐसे कामों को अपना इसी समय बर्बाद कर देते हैं। कभी कुछ कर रहे हैं, कभी इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, कभी अर्जेंट वर्क कर रहे हैं, कभी उसमें कुछ और कर रहे हैं जो कि आवश्यक नहीं थे, और इसी वजह से हमारा भरपूर समय बर्बाद हो जाता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप हमेशा अपने बिजनेस के कार्य को ही समय दें, अपने प्रोजेक्ट पर ही ध्यान दें। परिवार के साथ समय बिताना भी बहुत जरूरी है। हमें हमारे कार्य को उसी अहमियत से हिसाब से बांटकर उसे पूरा करना चाहिए। इस तरह से उन्हें व्यवस्थित करना चाहिए कि एक दिन में जितना भी कार्य हो वो पूरे एक दिन में समाप्त हो जाए। सोशल मीडिया का बिना जरूरी उपयोग ना करें, ज्यादा सोशल मीडिया का यूज नहीं करना चाहिए, इससे हमारे टाइम मैनेजमेंट हमारे दिन में कभी ज्यादा दुरुपयोग होता है। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया का उपयोग हर व्यक्ति करता है। कई लोग तो पूरे दिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम कोई काम करने की सोचते हैं और काम कर रहे होते हैं, तब अगर व्हाट्सएप पे किसी ने मैसेज भेजा जो कि बिल्कुल जरूरी नहीं होता है, तभी हम उस मैसेज को तुरंत पढ़ते हैं और रिप्लाई करते हैं, और इसी वजह से हम जो कार्य कर रहे थे उससे हमारा ध्यान हटने लगता है, और फिर कुछ मैसेज का रिप्लाई देने के बजाय हम कुछ मिनट तक उससे बात करने लगते हैं। ऐसे में हमारे कुछ मिनट तो यूं ही बर्बाद हो गए जिसका कोई लाभ नहीं हुआ। कहने का मतलब है कि बिना जरूरी सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करें। एक स्टडी के हिसाब से यह कहा गया है कि जो लोग लंबे समय तक कार्य करते हैं उन्हें सोशल मीडिया की वजह से डिप्रेशन होता है और समय की बर्बाद होता है। हर व्यक्ति दिन में एक बार तो सोशल मीडिया एप्लीकेशन को ओपन करता है और फिर मिनटों तक वह सोशल मीडिया का यूज करते रहते हैं, और ऐसे में हमारा बेहद जरूरी समय बर्बाद हो जाता है जबकि उस समय का सही उपयोग कर सकते थे, हमारे जो कार्य अधूरे पड़े हैं उसे पूरा कर सकते थे। तो हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भले आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें पर उसका बिना जरूरी उपयोग ना करें, जितना जरूरी है उतना ही, उसकी वजह से आपके कार्य करने के समय को इफेक्ट पड़ता है। तीसरा पॉइंट है, आज के कार्य को कल करेंगे ऐसा विचार ही अपने मन में ना लाएं। हम लोग कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि ये काम कल करेंगे, ऐसा विचार नहीं लाना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। अक्सर आप यह सोचते हैं कि या कहते हैं कि नहीं यह कार्य मैं कल करूंगा, नहीं मैं यह कार्य कल करूंगा, आज मूड नहीं है, पर समय ही नहीं है। जबकि समय तो होता है पर हमें मन से यह निश्चय ही कर लिया होता है, क्योंकि समय मेरे पास होते हुए भी मैं अपने खुद के मन में यह सोच लेता हूँ कि मन नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, ये जरूरी नहीं है, मैं कल कर लूंगा, इस कार्य को मैं कल ही करूंगा, और इसी वजह से समय होने के बावजूद भी हम उस कार्य को कल छोड़ देते हैं, और इसी वजह से ही हमारे अगले दिन पर भी इसका प्रभाव पड़ने लगता है। अगर हम आज करने वाले कार्य को कल पर छोड़ देंगे तो जो कार्य कल करने के हैं उस पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। इसलिए जो कार्य हमें आज करना है उसे कैसे भी आज कर पूरा करना ही चाहिए। ऐसा मन में निश्चय कर लीजिए
कि आज मुझे ये काम करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो करना ही है। अगर एक बार आज का कार्य कल पर छोड़ देंगे तो फिर धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी और फिर आप हर बार यही सोचेंगे कि आज का कार्य मैं कल करूंगा, तो यह आपकी आदत बने इससे पहले ऐसा करना ही बंद कर दीजिए। इससे बचने का एक ही उपाय है, आज का कार्य आज करें और कल पर ना टाले। जब एक दिन की शुरुआत होती है तब आपको एक सूची तैयार कर लेनी चाहिए या फिर आपको अपने मन में ही सभी कार्यों को लिस्ट तैयार कर लेना चाहिए। जैसे कि 9 बजे ऑफिस के लिए निकलना है, 9 बजे स्कूल के लिए निकलना है, 10 बजे मीटिंग है, 11 बजे यह करना है, घर आते वक्त एक काम करना है, शाम को यह काम करना है, वह काम करना है। इस तरीके से एक मन में या किसी नोट पर हमें लिख लेना चाहिए। इसका भी एक और फायदा है कि अगर आप दिन की शुरुआत में किसी अपने सभी कार्यों को लिस्ट बना लेते हैं तो आप कोई भी कार्य भूल पाएंगे। अगर आप लिस्ट बनाएंगे बिना याद रखे भी ये काम हो सकता है, लेकिन कभी कभी अपने कामों में व्यस्त होने के कारण कोई काम में इतना बिजी हो जाता है या किसी काम से इस लोगों से इतना बात करने के कारण अपने काम को भूल जाते हैं और वो हमारा जो हम सोचे थे दिन में ये करना है वो करना है वो भुला जाता है। यह एक महत्वपूर्ण बात है, जब हम आज के सभी कार्यों को पूरा करने के बाद अगर कुछ समय बच जाता है, मतलब कि रात के समय आपको सोचना चाहिए कि कल मैं क्या करूंगा, कल कौन से कार्य मुझे करना चाहिए। अगर आप आज ही यह सोच लेंगे तो कल उस कार्य को करने में आसानी होती है। टाइम मैनेजमेंट अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग सेक्टर में कुछ अलग अलग महत्वपूर्ण है। जैसे कि छात्रों के लिए समय प्रबंधन का महत्व। छात्र पूरे दिन कई अलग अलग गतिविधियां के बीच व्यस्त रहते हैं, पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज जाने से लेकर खेल गतिविधियों में भाग लेने तक और समय अध्ययन में शामिल होने से लेकर अतिरिक्त अभ्यास गतिविधियों में भाग लेकर फिट रहने तक ऐसी कई गतिविधियां इस सूची में शामिल हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप अपना समय को ठीक से व्यवस्थित नहीं करेंगे तो आप किसी भी काम को कुशलता से नहीं कर पाएंगे। व्यापार क्रमिक के लेकर के समय प्रबंधन। अगर आप किसी व्यवसाय को शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो अनुशासन पहली चीज है जिसे ध्यान में रखने की जरूरत, और अनुशासन के लिए पहला कदम समय का सम्मान करना है। अपने व्यवसाय में आप खुद मालिक होते हैं, इसलिए आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियों का भार होता है बजाय किसी और के लिए काम करने के लिए। सब कुछ कुशलतापूर्वक संभालने के लिए आपको अपने समय को संसाधनों से व्यवस्थित कर सब कुछ शुरू करना होगा। गृहिणियों मतलब कि हाउस वाइफ के लिए भी कुछ टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है। गृहिणियों पूरे दिन परिश्रम करती है, उनके कार्य की सूची अंतहीन है और यदि उन्हें अपने कार्य को ठीक से प्रबंध नहीं किया तो उन्होंने काम खत्म नहीं किया तो काफी समय लग जाता है, क्योंकि उन्हें प्रत्येक दिन विभिन्न प्रकार के कार्य करने होते हैं। इसलिए उन्हें सुबह ही एक सूची तैयार करना जरूरी है गृहिणियों के लिए और उन्हें एक के बाद एक कर सकती है। इससे न केवल गृहिणी अपने समय को कुशलतापूर्वक प्रबंधन कर सकेगी बल्कि उनको अपने कार्य में संतुष्टि का भावना महसूस होता है। जो व्यक्ति घर से काम करते हैं उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे रोज की दिनचर्या के समय
सारणी बना रहे। जैसे कुछ लोग कोरोना के टाइम क्या हुआ था, कुछ लोग घर से काम करते थे, ऑफिस से काम करते थे, इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, इसमें हम किस तरीके से टाइम मैनेज कर पाएंगे, इसके बारे में समझेंगे। जो लोग घर से काम करते हैं उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे रोज की दिनचर्या के समय सारणी बना ले और पूरी ईमानदारी से उसका पालन करें। अधिकांश व्यक्ति जो घर से काम करते हैं वो इसलिए इस विकल्प का चयन करते हैं क्योंकि उन्हें घर पर कुछ काम होता है, ऑफिस का कुछ काम होता है, अपने व्यक्तिगत कर्तव्यों को और अपने व्यवसायिक कार्यों को एक साथ पूरा करना काफी चुनौतीपूर्ण होता है। दिन में उन घंटों को पहचान कर जब आप सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित कर सकते हैं ताकि अपने व्यवसायिक कार्यों को लगन से पूरा कर पाए। पेशेवरों के लिए समय प्रबंधन का महत्व, बढ़ती प्रतिस्पर्धा के साथ काम करने वाले पेशेवरों को भी अपने क्षेत्र में अच्छी प्रदर्शन करने की जरूरत है। उनसे उम्मीद की जाती है कि वे कुछ अलग करें और अपने साथी को पछाड़ कर उन्हें छवि को विस्तृत नजर में बना लें। जैसे कि कहने का मतलब है कि हमें भी अपना किसी को अग्नि किसी से ऊपर उठना है या किसी अपने सेक्टर में हमें अपने अपने आप को एक नंबर वन पे लाना है, तो सबसे पहले हमें अपने टाइम को मैनेज कर लेंगे, अपने समय को निर्धारित करना अति आवश्यक है, जिससे वे न केवल अपने समय काम के लिए समय निकाल लेंगे बल्कि कुछ अलग अलग नए करने के लिए पर्याप्त समय बच जाएगा। कुशल समय प्रबंधन का सुझाव, जो काम जरूरी हो उन्हें सूची बनाएं, पहले महत्वपूर्ण कार्य समाप्त करें, केवल मौजूदा कार्य पर ध्यान केंद्रित करें, न कहना सीखें। जैसे ही आप अपना काम शुरू करते हैं तो अपना फोन एक तरफ रख दें, दिन में 7 से 8 घंटे नींद लें, स्वस्थ आहार लें, नियमित रूप से व्यायाम करें और इस तरीके से हम अपने समय प्रबंधन को पूरी तरीके से मैनेज करके अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और इसी बात से मैं अपने इस टॉपिक को खत्म करता हूँ। Okay, thank you, Mr. Ravi Kumar, for a beautiful session. जैसा कि हम लोग जान ही रहे हैं कि टाइम के बिना कुछ नहीं है, और सर ने सही बात कही कि सुबह जैसे हम लोग उठते हैं तो हमारे जेब में 24 घंटे होते हैं। अब उन 24 घंटों को कहाँ यूटिलाइज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, यह हमें खुद सोचना है और उसे सही से प्लान करके हम अपने कामों को किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, ये करना भी एक अपने आपस में कला है। जैसे कि हम बच्चों को ही कहते हैं बेटा आप अपने टाइम को मैनेज कीजिए, इसलिए तो आप अपना होमवर्क मैनेज कीजिए, आपका स्कूलिंग आवर मैनेज कीजिए, आप अगर ट्यूशन जाते हैं ट्यूशन मैनेज कीजिए, उसके बाद अपने सेल्फ स्टडी के लिए टाइम लीजिए। ये जब हम बच्चों को कहते हैं तो कहना तो आसान हो जाता है, लेकिन खुद के लिए हमें इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जब हम अपने आप पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम खुद एक अपने अंदर ही एक चेंज महसूस करेंगे कि वो चेंज क्या आ रहा है। तो हमारे सारा जो वर्कलोड जो रहता है वो वर्कलोड आराम से रिड्यूस होता चला जाता है और हमें उसका एहसास भी नहीं होगा। जैसे होता है ना कि सामने खाना परोस दिया गया, अब उसमें से कितना खाना है ये हमें खुद डिसाइड करना है, अब उसमें से पहले क्या खाना है ये भी हमें खुद डिसाइड करना है। तो यही होता है कि ये 24 घंटे हमारे सामने भी सर्व किए हुए हैं, अब उसमें 24 घंटों में से किस तरह से हमें यूटिलाइज करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। एक और सही काफी अच्छी बात कही सर ने कि अगर हम अपने ट्रैवलिंग के लिए अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं तो अपने बाकी कामों के लिए हम क्यों नहीं टाइम को मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में ट्रेन का बताया गया कि अगर हम ट्रेन से ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो हमें समय पर स्टेशन पे पहुंचना है, अदरवाइज हमारी ट्रेन मिस हो जाएगी और हम स्टेशन पे हाथ पे हाथ धरे खड़े रह जाएंगे। तो इसी तरह से हर एक काम ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हमें ही करना है तो उसको हम 5 मिनट लेट भी करें तो चलेगा, लेकिन ये डिसिप्लिन जो है
जैसे हम अपने अंदर बिल्टअप करेंगे तो आप देखिएगा कि आप उसको खुद अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं सर को एक बार फिर से थैंक यू कहना चाहूंगा एक इतने अच्छे खूबसूरत सेशन के लिए। थैंक यू सर।